मुझे जानता नहीं था, मुझको पहचानता नहीं था। मुझे फोकट में नाम शोहरत धन दौलत कमाना था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब हम सबके पास है बिना मेहनत मशहूर होने का मौका। इंडिया के रियलिटी शोज है ना, इंडियन टेलीविजन के सारे रियलिटी शोज की रियलिटी आज यहाँ दिखेगी। हंसी के सबसे बड़े रियलिटी शो में रियलिटी शोज की खलबली होगी। वेलकम टू सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे रियलिटी शो स्पेशल। रियलिटी शोज की रियलिटी आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारे शो की असलियत भी नहीं छुपेगी। कॉमेडी सर्कस के पर्दे के पीछे की सच्चाई दिखाने आ रहे हैं E3 कृष्णा एस कॉमेडी सर्कस के प्रोड्यूसर विपुल शाह, भोली सूरत सुदेश एस डायरेक्टर निकुल, और हमारा नया टैलेंट सिद्धार्थ एस लीड राइटर राज शांडिल्या। ये हमारे जो राइटर है राज शांडिल्या, उन्होंने एक बी ग्रेड फिल्म का गाना लिखा था, जोरदार तालियां। ये गाना तो इतना चला नहीं, लेकिन फिल्म सुपर फ्लॉप हुई है। मैंने शोज कर करके कितना पैसा कमा लिया अर्चना जी। लोखंडवाला में 8 फ्लैट, अंधेरी में 9 फ्लैट, मीरा रोड में 15 फ्लैट, और JW मैरियट के आधे रूम मैंने ही बुक किए हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे JW के आधे रूम मैंने कैसे बुक कर लिए। अब पैसा कमाया, उड़ाना भी तो होता है ना, क्यों बरखा डाल ली। खैर, मेरा नाम खराब करके रखा हुआ, पेमेंट नहीं देते। एक मिनट, ये लो तुम्हारा 5,000 रुपया बाकी था ना, ये लो। 5,000 का नोट तो मार्केट में चलता भी नहीं है। तो तू कौन सा मार्केट में चलती है, तेरे को लिया ना हम लोगों ने। खैर अर्चना जी, अभी मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। हाँ। फिल्म बनाने का मैंने कैसे सोचा, अपना जो सुपर स्टार कृष्णा है ना, हाँ उसमें रेडी हो गया है। मतलब सोहेल भाई, विद कृष्णा देयर इज सम व्हाट रिकवरी। मतलब फिल्म 50 करोड़ की हो तो 8-10 करोड़ तो आ ही जाते हैं। खैर, मैंने बहुत सारे राइटरों से बात की, जोकर के राइटर के पास मैं गया था। मैंने कहा सर मेरे लिए फिल्म लिख दो। कहते मेरे पास कंटेंट नहीं है, खत्म हो गया है। मैंने, साले तूने लिखा क्या था तो तेरा कंटेंट खत्म हो गया है। खैर एनीवेज, कब तक मैं अकेला रहूंगा, वेयर इज माय क्राइम पार्टनर गोगा, सॉरी निकुल। मामा पाव लागू छु, खुश करो, खुश करो, कभी हमें भी खुश करो। कैसा है निकुल गांडा? कैसा है, जब सबको पता है मैं गंजा हूं तो सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? कैसा है? अबे गंजा नहीं गधेड़ा, आई एम आस्किंग हाउ आर यू, कैसा है? मामा मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। वो तो डे वन से पता है तू ठीक नहीं है, कॉमेडी सर्कस के लिए तू ठीक नहीं है। मामा तुम फिल्म बना रहे हो, मेरे को बताया तक नहीं। अरे तो कॉमेडी सर्कस के बारे में भी कहां बताया था, पूछता पाछता आ गया ना भिखारियों की तरह यहां पर। मामा एक बात सुन लो, ये फिल्म मैं डायरेक्ट करू छू। अच्छा, तू डायरेक्ट करू छू? मामा 6 साल से मैं कॉमेडी सर्कस डायरेक्ट करू छू के नहीं करू छू, यही छू के नहीं करू छू। ये कंटेंट बेस्ड शो है, इसमें डायरेक्टर का कोई काम नहीं। सुन सुन के मेरे कान पक गए, ये डायरेक्टर की जरूरत नहीं, डायरेक्टर की मुझे निकाल क्यों नहीं देते फिर? निकल जा गधेड़ा, निकल जा छू, छू छू। मामा मैं जा रहा छू, अब मम्मी के फोन आऊ छू। मम्मी मामा ये मिनट, मामा बहन सॉरी, अगर तू मेरी बहन का लड़का नहीं होता ना तो मैं देख लेता तेरे को। मामा 6 साल से मैं कॉमेडी सर्कल इसलिए डायरेक्ट कर छू कि जब तुम फिल्म बनाओगे छू, मेरे को डायरेक्ट ले छू। हाँ तो एक दिन के लिए तेरे को डायरेक्टर जरूर ले लूंगा, लेकिन सिर्फ एक ही दिन, उसके बाद तू सेट के आजू बाजू में भी नजर आया ना, उठा के फिकवा देंगे। हाँ अगर तू मेरी बहन का लड़का नहीं होता ना, मैं देख लेता तेरे को। मम्मी मामा ये भावना बहन सॉरी। मामा एक बात याद रखना, तेरी फिल्म कभी नहीं बन छू, कभी नहीं बन छू, देख लेना तू। अरे तेरे पास चोरी कहाँ छू? अरे गांडा गधेड़ा, चोरी स्क्रीन प्ले राइटर के लिए, वो अपना राइटर है ना, वो क्या नाम है उसका, गुलजार साहब। अरे गुलजार साहब को इतना सब कहाँ आता है, मैं राज की बात कर रहा हूँ। हाँ राज राइटर। हाँ मामा तुम पागल हो, उससे चोरी लिखाओगे? उधर थिएटर में लोग बैठे होंगे, फिल्म देख रहे होंगे, बाहर ये एंड लिख रहा होगा। तो तू फिकर क्यों करता है गधेड़ा गांडा, उसका एंड मैं लिख दूंगा। मामा तुम अगर इतने अच्छे राइटर होते तो प्रोड्यूसर क्यों बने हो? बकवास करता है, अगर तू मेरी बहन का लड़का नहीं होता ना, मैं देख लेता तेरे को। भावना बहन सॉरी। एक मिनट, राज से मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं उसको एक मिस कॉल दे देता हूँ। मामा हम गुजराती हैं, मिस कॉल क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये किसी और को मारेंगे। इधर बाहर ही बैठा, 3 घंटे से बुलाता हूँ। क्या 3 घंटे से इधर ही रखा है,
ऑप्टिमिस्टिक का राइटर खाली बैठा है, 3 घंटे से कुछ लिखवा लेता है गधेड़ा। मामा मामा तुम मुझे समझो, मैं तुम पे गया हूँ, मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ, मैं किसी भी राइटर को इधर फ्री नहीं बैठने देता। मैंने स्कूटर की नेम प्लेट लिखवा दी सोहेल साहब की। अच्छा, और इधर देखो टैटू भी उससे बनवाया। ये क्या है? ये शेर है मामा। इसकी पूंछ कहाँ है? मामा ये राज ने बनाया, राज ने लिखा, एंड कहाँ लिखता वो राज? राज ये कुर्सी पे बैठने को किसने बोला तेरे को? सर वो कुर्सी पड़ी हुई थी, मैं कब बैठ जाता हूँ सर? अच्छा, चीता दिखेगी तो लेट जाएगा उसको। और देखो सर कैसे साले, जब पता मैं गंजा हूं तो बार बार मेरी क्यों बेइज्जती कर रहे हो कैसे? विभू सर कैसे? सर एकदम ठीक हूँ। अरे राइटरों को अपनी औकात में रखना चाहिए। हाँ क्या बात है, पान का डब्बा लेकर कहाँ घूम रहे हो तुम? सर ये लैपटॉप है सर, कुछ आइडिया आता ना तो एकदम इसमें अच्छा 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 टाइप करता हूँ इसमें सर। अच्छा 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 हाँ। क्या बात है, लैपटॉप बहुत बढ़िया। देखो ऐसा होना चाहिए राइटर सर, हमारी शूटिंग 10 दिन बाद है और पंच इसको अभी से आ रहे हैं। सर ये अगली शूटिंग आनी है? हाँ ये पिछली शूटिंग का एक्ट था, उसका एंड नहीं लिखा था। मामा बर्बाद किया हुआ है। मामा मेरी बात सुनो, मैं कह रहा था ना इससे स्टोरी मत लिखाओ, एंड कहाँ लिखता है ये? सर ये गलत बात है सर। अबे मामा के भांजे निकुल सर, एक साल के अंदर 3-3 घंटे की 300 पिक्चरें बनती हैं, बात ध्यान रखना मेरी। और उनमें ऐसी पिक्चरें 3-4 ही पिक्चरें होती हैं जिनका एंड ठीक ठीक होता है, और हम लोग 10-10 मिनट में 10-10 घंटे की ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऐसे ऐसे पंच डालते हैं कि अभी मैं कहता हूं कोई 50 कॉमेडी की पिक्चर उठा के देखो, उसमें अगर जितना मटेरियल उसमें कॉमेडी का होगा उससे कहीं ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा कॉमेडी का मटेरियल हम लोग एडिट कर देते हैं। और सिखा इसको कॉमेडी, और सिखा टाइमिंग, सिखो ले गए ना सारी तालियां। अबे तालियां नहीं, सही बात कर रहा है, बहुत सारी फिल्में फ्लॉप होती है, एक फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई है बोल बच्चन पता है, और उसमें जो स्टार थे ना हमारे कॉमेडी सर्कस के कृष्णा और अर्चना, वो नहीं होते तो इतनी बड़ी हिट नहीं होती। जोरदार तालियां बजा। सही बोल रहा है मामा। एक चीज से मैं और यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, आप ही ठीक करो। ये जितने भी कॉमेडी सर्कस के कलाकार यहाँ बैठे हैं इनको मना करो, कोई भी शूटिंग होती है जब फिल्म की तो वहाँ देखने मत जाया करें। अब ये बोल बच्चन की शूटिंग चल रही थी, वहाँ VIP ऐसे घूम रहा था, उसके भी 1-2 शॉट आ गए। अब जो हिट हुई है हिट उसकी वजह से हुई है, कृष्णा समय रहे मेरी वजह से हुई है। और ये अभी बर्फी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, वहां शुमोना घूम रही थी, उसके भी 1-2 शॉट आ गए और फिल्म ऑस्कर में उसकी वजह से पहुंची। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरी वजह से पहुंची बर्फी, बर्फी। बकवास बातें बंद करो, जिस काम के लिए बुलाया वो करो। देखो तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं खिलना, स्टोरी मैंने लिखी है पिक्चर की। सर स्टोरी आपने लिखी है? चुप कर चू सर। आप सर चेक पे तो साइन करते नहीं, वो भी ड्राइवर करता है सर, क्या बात कर रहे हो सर आप? आप कैसे स्टोरी लिख सकते हो सर? ओ हेलो, डायरेक्टर को सब कुछ पता होना चाहिए, कैसी लिखी है, क्या स्टोरी, क्या राइटिंग है, समझे? सर डायरेक्टर कौन है सर? साले मैं हूं और कौन है? सर ये डायरेक्टर है ना। ए, तूने कुछ लिखा आज तक? सर मेरी पिक्चर आ रही है सर, मिस्टर मनी सर। हाँ वो पिक्चर हिट होगी। वो पिक्चर में बहुत बढ़िया काम किया कृष्णा ने, वो पिक्चर हिट होगी। खैर उसकी बात बाद में करेंगे। सुनो जो मैंने कहानी लिखी उसका तुमको स्क्रीन पे लिखना है। देखो हमारी कहानी शुरू होती है कि ओपन करते गांव से, और गांव में एक ठाकुर है। ये अच्छा किया, अच्छा 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 ये अच्छा किया आपने, कॉमेडी सर कैसे निकाल के ठाकुर को इसमें डाला ना, इसमें कोई जजमेंट भी नहीं होगा। अबे वो नहीं ठाकुर, नहीं राजीव ठाकुर नहीं, बात नहीं कर रहा मैं। एक ठाकुर होता है उसके दोनों हाथ कट जाते हैं, हाँ, तो विलन से बदला लेने के लिए वो शहर से 2 हीरो बुलवाता है। एक मिनट हाँ, हाँ, करते हैं इसको कुछ करते हैं। हाँ, अच्छा 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 हाँ, सर हाँ, ये पिक्चर है सर राम गोपाल वर्मा की आग। शोले नहीं बोल सकता था। मामा अरे इसको सब पता है हम क्या बनाने वाले। तू साले गधेड़ा, साले तुम लोग साले भिखारी लोग सड़कों से उठाकर लाए तुम लोगों को, और तू झांसी के झींगे, अरे सड़क बता तू साले, तुमको सड़क से उठाकर यहाँ पे हमने कूड़े पे बिठाया हुआ है, बड़ी बड़ी बातें करता है, और तू गधेड़ा गांडा आज तेरे को दिखाऊंगा मैं, है?
साले कांदी वली के टमाटर बड़ी बड़ी एक मिनट भावना बहन आई एम सॉरी अगर तू मेरी बहन का लड़का नहीं होता ना मैं देख लेता तेरे को तू भी अगर मेरी माँ का भाई नहीं होता तो मैं देखता भी नहीं तेरे को आज तक तेरे लिए मामा हमने क्या कुछ नहीं किया सारी देर रात यहाँ पे शूटिंग करते भूखे मरते मेरा कुछ नहीं सोचा तुमने कुछ नहीं सोचा मामा आई हेट यू हाँ मैं कितना जाना क्या स्क्रिप्ट लिखी अच्छा अरे लोग समझते हैं निकुल नॉनवेज नहीं खाता वेजिटेरियन मेरे पास पैसे नहीं होते मीट खाने के लिए वीआईपी को स्टार मैंने सिखाया कॉमेडी मैंने सिखाई मामा ये कर रहे अरे आप अरे इस बंदे ने मेरे बाल बेच के पैसे खा गया साला शर्म कर कोई एक मिनट अबे मुझे क्यों मार रहे हो अरे मार रहा साले तू मेरी बहन का लड़का थोड़ी है बस बस मामा बस अब मेरा हाथ उठेगा साले तू मेरे मामे को मार ए ऑप्टिमिस्टिक में झगड़ा नहीं चाहिए ओ शख्स अया गांडा मामा ये संजीव ने सही कहा था निकुल को काम से निकाल दो ये ऑप्टिमिस्टिक टेक ओवर कर लेगा ये तूने क्या किया मेरे मामा का पुलिस राज ने मामा को मारा मामा को मारा सबके पैसे मर गए लेकिन राज के पैसे नहीं मरेंगे साले तू भी चालू कर मामा हाँ उठ चू क्या बात है किधर है क्या चू ये बात हुई ना साला मामा 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 ये क्या कर रहे हो अरे ये राइटरों को दबा के रखना चाहिए मैं बता रहा हूँ एक गांडा के बारे में एक बात कहूंगा अगर मेरी बहन का लड़का ऑप्टिमिस्टिक में नहीं होता तो ऑप्टिमिस्टिक आज इतना सक्सेसफुल नहीं होता जोरदार तालियां गांडा के लिए और गांडा अब बता अब कैसा लगा मामा जब पता मैं गंजा हूं तो क्यों बुला रहा सबको मेरी ओर से क्यों कर रहे हो अच्छा ना कॉमेडी सर्कस के पर्दे के पीछे की ये पागलपन आपको कैसा लगा व्हाट अ रॉकिंग एक्ट जैसे पहले पहले कॉमेडी सर्कस में आप लोग परफॉर्म किया करते थे कृष्णा सुदेश जहाँ आपको खुद नहीं मालूम होता था कि ये एक्ट कैसा होने वाला है आप लोग इतना इम्प्रोवाइज करते थे इतनी एक्सपेरिमेंटेशन करते थे इतना नयापन था बिकॉज ये सब जो अभी छठा साल है ये इतने सालों से करते आ रहे हैं तो एक नॉलेज आ जाती है कि एक्ट ऐसा जाने वाला है लेकिन आज जो आपने एक्ट किया उसमें ऐसा ही लग रहा था वो पहले वाले कॉमेडी सर्कस का फ्लेवर आ गया था एंड सिद्धार्थ आप यू हैव मैच देम स्टेप फॉर स्टेप एज राज वो जो आपका जो चलने का अंदाज एक बार फिर से करके दिखाइए जो राज बैंग ऑन आई वॉन्ट टू से दिस इज द फ्लेवर ऑफ कॉमेडी सर्कस दैट आई लव टू वॉच द ऑडियंस लव्स टू वॉच परफेक्ट एक्ट नहीं था बीच में हल्का सा झोल खाया था लेकिन थ्री ऑफ यू सुपर इट इज अ इन हाउस एक्ट लेकिन इट इज सो फनी बिकॉज हम लोग जानते हैं लोगों को तो वी आइडेंटिफाई लेकिन जानने के बावजूद आई विल टेल यू वन थिंग दैट दिस एक्ट टुक इट्स ओन जर्नी ओन पाथ सिद्धार्थ ये दोनों जानते हैं यू नो सुदेश एंड कृष्णा आर फैबुलस एज अ टीम टुगेदर सो दे मेक इट हैपन एंड टू मेक इट हैपन एंड फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट आप अपना जो पाँव सही जगह पे डाल रहे हो एंड यू हैव लेकिन जहाँ कृष्णा ने पाँव डाला था बहुत बहुत डेंजरस था जो खड़ा हुआ सिद्धार्थ के ऊपर सो इट इज जस्ट फैबुलस दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ द टीम एंड यू ऑल आर जेलिंग नाउ कांग्रेचुलेशन स्पॉर्ट्स अर्चना द मैडनेस इज बैक सोहेल अगर आप में है दम गालियां सुनने का अगर आप में है दम हटेले सेलेक्टर्स को सहने का तो आप बन सकते हैं इस साल के घोड़ीज घोड़ीज के ऑडिशंस लेने आ रहे हैं तेज तरार अजूबा मंत्रा एज लघु हमारा नया टैलेंट राजीव एज काजीव और पूर्वी एज वेरियस कंटेस्टेंट्स क्या हुआ हम आपको जुड़वा नहीं लग रहे तो आप कौन सा जज लगते हो
जजेस, हम दोनों भी जजेस हैं। ये है काजीव और ये है लघु और हम हैं घोड़ीज। आपको घोड़ीज के बारे में तो अच्छी तरीके से पता ही है। ये वो शो है जहां पर दुनिया भर के कमजोर और लूजर्स आते हैं और हम उनको इतना बजाते हैं कि वो और बड़े लूजर्स बन जाते हैं। हम सोहेल खान नहीं है जो नए पार्टिसिपेंट्स को बढ़ावा देंगे, स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। हम उनकी चटनी बना देते हैं। Because I hate losers. You're a loser. Hey, you are a loser. You're a loser. You are a loser. You are a loser. You are a loser. Okay, fine. ये बता, तेरे को आजकल गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? क्या करूँ यार काजीव, जब से वो कॉमेडी सर्कस पर राजीव ठाकुर के एक्ट बंद हुए मुझे गुस्सा नहीं बंद हो गया यार। तू ऐसा कर, अपनी फिल्म 20 मार खान देख। प्लीज 20 मार खान के बारे में बात मत कर, मेरा गुस्सा पड़ जाएगा। मत कर। 20 मार खान मत कर। 20 मार खान मत कर। यस 20 मार खान। यू प्रेस माय माइंड ऑफ यू ऑल राइट यू फादर मदर यू ओके टाटा बाय बाय नो स्मोकिंग डोंट डू दिस यस यस। यही गुस्सा शो को चलाएगा, यही गुस्सा चाहिए। करेंगे हम गुस्सा। यस yes. हमारे आज के yes. पहले पार्टिसिपेंट को। यस ऑल राइट, पार्टिसिपेंट नंबर वन। Come in, sir. Yeah. आप already अंदर आ चुकी हैं। Sorry. Yeah. What's your name? Myself, पूजा ठाकुर। कुछ बताइए अपने बारे में। Boyfriends? Boyfriends? No, sir, no boyfriend. लड़के पसंद नहीं हो तुम्हें? लड़कियों में इंटरेस्ट है क्या? अर्चना कैसी लगती है? वो तो मेरे ताऊ की उम्र के हैं। और इतने बड़े उम्र के पुरुष की तरफ मैं देखती भी नहीं। तो ये बताओ कि शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए तेरे को? जिसके पास यू नो सेंस ऑफ ह्यूमर हो, यू नो। सरनेम ठाकुर है और बात कर रही ह्यूमर की। एक सेकंड, आपने अपने फॉर्म में यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर मेरे पापा ने मेरी शादी की जिद की तो मैं मेरे पापा को प्यार से समझाऊंगी कि इस वक्त मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसे बात करेंगे अपने पापा से आप? ऐसे बात करेंगे आप पापा से? अपने ऐसे बात करेंगे आप पापा से? यही दिन देखने के लिए उन्होंने 9 महीने अपने कोख में आपको पाला, इसीलिए उन्होंने अपने दूध पिलाया तुम्हें। अबे अबे अबे, पापा नहीं मम्मी कोख में रखती है और दूध भी वही पिलाती है। तो ये बात कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे ये बात? Anyway, आपको क्या लगता है इस शो का नाम घोड़ीज क्यों रखा गया? आपकी वजह से। हम घोड़े लगते हैं तुम्हें? ए खबरदार, जो गधे को घोड़ा कहा तो। ये बताइए आप आई कहाँ से? मैं सोहेल सर की वैन से। I never lie sir, I'm very honest. मैं झूठ नहीं बोलती हूँ सर। यार इसकी ऑनेस्टी का तो पता चल गया। But सोहेल, What the hell is happening here? नहीं सर सर, actually सोहेल सर आए नहीं थे तो हम पार्टिसिपेंट्स को उनकी वैन दे दी थी बैठने के लिए, इसलिए सर। अच्छा, डम लगते हैं हम तुम्हें? तुम्हें हम दोनों डम लगते हैं। यहाँ क्या लिखा है माथे पे? क्या लिखा है यहाँ पे? सुन लो, मुझे लूजर्स पसंद नहीं है। इस जगह पे लूजर्स के लिए कोई जगह नहीं है। गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। चल निकल यहाँ से, बाहर निकल निकल निकलना। अरे तेरे को बोला ना निकलना। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से परेशान हूँ। अगर तू मेरी कॉपी ना ना होता तो जिंदगी में कुछ ना कर पाता। अबे जा बे, मैं तेरी कॉपी, तू मेरी कॉपी है। और एक तो हरकत ऐसी करता है, प्रॉब्लम मेरे को झेलनी पड़ती है। क्या किया मैंने? लड़कियां ये छेड़ता है और पट मुझसे जाती है। एक बार हम दोनों एक ही चादर में सो गए, दोनों को टक्कर थोड़ा सा बाहर था। पुलिस वाला आया, बोलता है अपनी तशरीफ अंदर करो। हमने बोला तशरीफ नहीं, हम दोनों का सर है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज जल्दी बुलाइए। सब लघु व्हाट्सएप काजीव। हाय हेलो, कुछ नहीं सीधे व्हाट्सएप। अरे मैं तो जवान हूँ, मैं क्यों हाय हाय करूँ? अच्छा तुम दोनों जुड़वा हो ना? कैसे पहचाना आपने? अरे तकले मिलते हैं ना तुम दोनों के। अच्छा सुन टकलू। अरे बेटा तुझे नहीं उसे बोला, तू तो सुंदर है। ए माता जी, मेरे लिए यहाँ लड़कियों की लाइन लगती है। लाइन लाइन क्यों? तू ब्यूटी पार्लर चलाता है? अच्छा बेटा सुनो, ये
ये तुम्हारे शो के द्वारा मैं दिल से एक मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को। दीजिए, इस उम्र में आप मैसेज ही दे सकती हैं। भाइयों और बहनों, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अच्छा भड़को मत, मैं गाना भी गा सकती हूँ, बहुत अच्छा एक भजन टाइप गाना है। अरे जवानी मेरी बीती बीती जाए दे, ये कैसे मैं मैडम क्या कर रही हैं आप? ये फैमिली शो है हमारा। अच्छा फैमिली शो है, तो तुम दोनों न्यूड टकले लेके बैठे हो, उसका क्या? एक तो न्यूड टकला, ऊपर से थुड्डी पे 1.5 रुपये वाली दाढ़ी। तेरी माँ तुझे मारती नहीं क्या? अच्छा भाई, माँ से याद आया, मैं 10 बजे के बाद शूटिंग नहीं कर सकती। आपको देख के यही लग रहा है थक जाती होगी ना? नहीं, बिकॉज आई गो क्लबिंग बेबी। माता जी, आप गलत जगह पर आ गई हैं। यहाँ पर टास्क करने पड़ते हैं, ये सब नहीं होगा। अरे तो मुझे किस करवा ले, वो भी माउथ टू माउथ वाला। ए माताजी, माताजी, ये कौन सा टास्क हुआ? अरे बेटा, अब इस उम्र में हमारा तो टास्क ही हुआ ना, क्यों अर्चना? माताजी, हमारे शो में जवान जवान चाहिए, बूढ़े नहीं। अरे तो मुझे ग्लैमर के लिए ले ले बेटा, जब साड़ी में ऐसा स्लीवलेस ब्लाउज पहन के आऊंगी तो मैं फिर में आग लग जाएगी। ज्वाला की फैन हूँ भाई, बड़ी फैन हूँ। What the hell is happening? माताजी, ये सब नहीं चलेगा। I want entertainment here. अच्छा एंटरटेनमेंट, और तुम दो भाइयों ने जो 20 मार खान में किया वो क्या था? एंटरटेनमेंट था? आए बड़े। माता जी, अगर इतने नाचने की आदत है, जाके शक्ल दिखला जा, मैं नाच लो ना। अरे अरे उधर भी गई थी तो चैनल वालों ने कहा, अरे माधुरी जी, ये मेकअप के बगैर कहाँ घूम रही है, या जस्ट की चेयर पे बैठ जाइए। वो क्या है, मेरी स्माइल एकदम उसके साथ डिट्टो मिलती है ना, परफेक्ट। इतना पकाती है यार, इतना बोलती है। आपको तो दूसरे वाला रियलिटी शो का नाम है, वो बिग लॉस में जाना चाहिए। अरे बेटा, वहां भी गई थी और रोज वहां पे चिल्लाती थी। बुढ़िया चाहती है कि बिग लॉस कमरे में आए, बुढ़िया चाहती है कि बिग लॉस कमरे में आए। मुआ 3 महीने से चिल्लाती रही, आया ही नहीं कमरे में। What is happening यार? सॉरी माता जी, शो नहीं कर सकती, चलिए निकलिए यहाँ से। कट लीजिए, कट लीजिए। दो अंडों के हाफ फ्राई। आप बकवास कर रही हैं आप? क्या उल्टा सीधा आप अपने फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? आप कहती हैं कि आपका शौक है डांस करना, कृष्णा समझती हैं अपने आप को? हाँ, ये इस उम्र में आप डांस करेंगी? अबे उबले हुए अंडे, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इस दुनिया में मेरे हिप हॉप के बहुत है लवर। प्ले द म्यूजिक, आई विल शो देम। अच्छा साले, मैं मुंबई आऊं ना आऊं, तेरा देहरादून आना तो कैंसिल ही समझ, अर्चना का इलाका है। हेलो, हाँ पिचू, देखो ना, ये शो से भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। एक भी फैन किया थे लेकिन फिर भी नहीं। नोबडी से माइंड ब्लोइंग। हेलो, खत्म हो गया सीन, माइंड ब्लोइंग। बिफोर बरखा से एनीथिंग, आई विल से माइंड ब्लोइंग। कुछ साथ में की बात चुना, इन घोड़ीज के बारे में आप क्या कहेंगी? कुछ समझ नहीं आता घोड़ीज है क्या, फिर आप दोनों आए काजीव और लघु, फिर कुछ समझ आया नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ समझ आया। बट पूर्वी मेरे भाई, यू वर रॉकिंग, योर एनर्जी, योर टाइमिंग, योर डांस वॉज माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सोहेल, ये एक्ट में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे, इट वॉज गोइंग अ लिटिल डल, बट जो आप लोग ने किया, यू नो व्हाट यू ऑल कुड डू, वॉज एब्सोल्युटली फैबुलस, एंड पूर्वी वन एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर योर बुड्डी हिप हॉप इन द एंड। नाच दिखा जा के जजेस की जजगिरी दिखाने आ रही हैं ऑलराउंडर अजूबा भारती एज धक धक गर्ल बहादुरी, सुनील ग्रोवर और विकास एज डेमो। हाय, मैं हूँ इंडिया की नंबर 1 धक धक गर्ल। सभी मुझे एक्सप्रेशन की देवी कहते हैं।
ओ गॉड, मैं अपनी दवाइयां तो बेच लूं, डॉक्टर साहब बोलेंगे ये ले तेरे जुलाब की गोली, तेरी मर्दाना ताकत की, तेरी जुखाम की, और तुझे ज्यादा छीकी आती है उसकी। हेलो, यस, मैंने बेबो, गुड्डू, चिंटू, लोलो सबके घर जाके गोलियां बेच दी है। अरे बाबा, मुझे पता है, मैं लंबे लंबे कमेंट्स दूंगी ताकि हमारी सर दर्द की सारी गोलियां बिक जाए। बाय। ये मेरे को जज क्यों नहीं आए अभी तक? यू नो, ऐसे जज है कि जिनको जज कहने का मन नहीं करता। ये डेमो जज कम, रामू काका ज्यादा लगता है। और वो जज कम ऐसे लगता है बड़ी बुआ के पास बैठी हूँ, भाषण भाषण भाषण। What do you mean? Why do you do that? Tell me, why do you do that? एक मारूंगा गाल पर चूम कर। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों? वो बेवकूफ इडियट सिक्योरिटी गार्ड। अब ये बार बार तुम क्या कर रही हो, ऊंट से उतरो प्लीज, ऊंट से उतर जाओ तुम। ये करतब का शो नहीं है, डांस शो है, डांस शो। वाह, नाउ शैल वी स्टार्ट? चार बज गए तो चाय मंगा ले। एक्चुअली इसके पास दो ऑप्शन थी। इसको चैनल ने कहा था, या तो अपने आप को साफ कर लो या फर्श को। इसको आसान लगा फर्श साफ करना। मुझे समझ में नहीं आता कि इसके घर वाले इसको अंधेरे में देखते कैसे होंगे। अंधेरे में क्या, उजाले में भी देख नहीं पाते। ओ डेमो, तुम्हें मेरी कोई ऐसी बात तो नहीं लगी ना जिसे तुम्हें बुरा ना लगा हो? नहीं लगा। तो जाओ मेरे लिए फटाफट गरम गरम चाय लेके आओ। और मेरे लिए डिप डिप वाली चाय। यार देखो, तुम्हें जो मंगाना ना वो पहले मंगाया करो। एक बार जब मैं जज वाला कोट पहन लेता हूँ ना, तो उसके बाद मैं कुछ नहीं करता हूँ। ओह, लुक एट हिम, इतना काम लेते क्यों अगर नहीं कर सकते तो? अब तुम्हें पता है कि पैसा कमाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती। देखो, सारी दुनिया ये डायलॉग बोले तुम मत बोलना, नहीं तो अच्छा लगेगा सोनी चैनल पे सोहेल खान की उड़ उड़ के लाते खाता हुआ डेमो। अरे अरे अरे, चुप करो चुप करो चुप करो। देखो देखो देखो, उधर डांस परफॉर्मेंस शुरू हो गया है, वो एक्ट देखो कितना एक्साइटेड लग रहा है, जैसे कभी डांस ही नहीं देखा हो। इसको जज बनाया किसने? उसका तो छोड़ो, लेकिन तुम्हारे पास इतनी फिल्में, तुम डांस क्यों जज कर रहे हो? इतनी फिल्में हैं तुम्हारे पास, जाके तुम डायरेक्ट क्यों नहीं करते, यहाँ जज बन के बैठे हो? जजमेंट में अपना ही मजा है, क्यों सोहेल, है ना? इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अरे यार चुप करो, तुम देखो ना उधर अभी डांस चल रहा है। वाह 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 वाह, क्या स्टेप किया, वाह। इस स्टेप का नाम क्या है? अभी उसका डांस चल रहा है, अभी वो डांस खत्म करेगी, डांस खत्म करेगी तो वो मुझे बताएगी, जब मुझे बताएगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ओहो वाह, दिस इज शिट। ओह व्हाट, सॉरी, दिस इज इट। डांस करती है आप इतनी सी रस्सी पे, ऐसी ऐसी चलती है, मुझे लग रहा है छिपकली चल रही है, कॉकरोच चल रहा हूँ। मैं तो आपको यही कहूंगी कि आपका एक्ट एकदम परफेक्ट था। ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। तुम योगा तो हमेशा ही करती हो, लेकिन आज योगा के बीच बीच में जो तुमने थोड़ा थोड़ा डांस डाला था, इट वॉज माइंड ब्लोइंग, आई विल कॉल इट। जो तुमने स्टेप किया है, मैंने भी अपनी एक फिल्म में यूज किया वो स्टेप। कौन सा गाना? भारती की परफॉर्मेंस शुरू हो रही है, मैं तो कहता हूँ निकाल दो उसको आज। प्लीज उसे मत निकालना, वरना हमारा डांस का शो देखेगा कौन? ऐसा नहीं है, निकाल दो उसको। अरे अरे क्यों, क्यों, वो कुछ खराब करती है क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, जब वो स्टेज पर आती है तो कोई हमको नहीं देखता। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, चुप करो चुप करो, भारती का डांस शुरू हो गया, चुप करो। लगता है ये सब यहीं सीखेगा। अच्छा जब तक उसका एक्ट हो रहा है, हम लोग बातें करती है। आप बताओ, तुम यूएस से वापस क्यों आई? यू नो, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। इतनी बड़ी सुपरस्टार को वहां पे पहचानता ही नहीं था। लेकिन अब आई एम बैक, ये देखना, श्रीदेवी, जयप्रदा, रेखा, सबकी छुट्टी कर दूंगी मैं। इनकी तो ऑलरेडी छुट्टी हो चुकी है, तुम क्या छुट्टी करोगी इनकी? अब नई हीरोइंस आ गई हैं, मनीषा लांबा, नरगिस फकरी और वो पैंटी डायना। ये हीरोइनों के नाम है कि गंदी वेबसाइट के? अबे तुम लोग चुप करो यार। देखो, भारती का डांस खत्म हो गया और भारती, आज आपके डांस के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा, दिस इज बड़ा वाला पत्थर। हाँ? मतलब अब ईंट तो नहीं बोल सकते ना? भारती जी, वो जो आपके छोटे छोटे मूव्स होते हैं, आपका छोटे छोटे एक्सप्रेशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि आपका परफॉर्मेंस एकदम
अच्छा मेरी बारी ब्लॉकबस्टर वाला परफॉर्मेंस. ये स्टेप पहले भी एक गाने में यूज किया था, वो कौन सा गाना था वो? आज की रिहर्सल बहुत हो गई, शूटिंग कल है, अब हम कल आएंगे. ओके मुझे भी दवाइयां पीस के यूएस भेजनी है. और डेमो तुम कहीं नहीं जाओगे, कल तक सेट का ध्यान रखोगे. लेकिन यहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं, डरा देंगे. लेट्स गो, एक्ट इज ओवर, लेट्स कम बैक. So, अर्चना, इन जजेस के बारे में आपकी क्या जजमेंट है? बहुत मुश्किल है इस थीम पर बेस्ड एपिसोड करना, राइटर्स के लिए और परफॉर्मर्स के लिए. आई थिंक हैट्स ऑफ फॉर द बोल्डनेस ऑफ दिस थीम, फॉर द बोल्डनेस ऑफ यू थ्री. आप तीनों ने जो परफॉर्म किया है, एंड भारती आपने जो ये जो किया है, दैट वॉज अ लवली रिकरिंग गैग. डेमो जी आपने बहुत अच्छा डेमो दिया अपने डांस के टैलेंट का. सुनील, यू डिडंट गो ओवर. इस ऐसे किरदार में ओवर जाना बहुत आसान है, लेकिन आपने बहुत मीडियम कील पर रखा अपनी परफॉर्मेंस को. स्क्रिप्ट वाज ऑन दिस लेवल, लेकिन आप तीनों की परफॉर्मेंसेस वर ऑन दिस लेवल. थैंक यू सो मच. सोहेल, एज एन एक्ट मुझे लगा कि अब इस एक्ट में इनहेरिट कॉमेडी नहीं थी. हाँ, इनहेरिट ह्यूमर कम था. इट वाज ट्राइंग टू जस्ट प्ले ऑन पीपल्स पर्सनालिटीज एंड टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, बट नेवरदलेस फैबुलस जॉब, कांग्रेचुलेशंस. Up scores, Archana, you first. Nine. Sohail. क्योंकि मैंने आप लोगों से बहुत बेहतर देखा है, इसलिए. India's lost talent के ऑडिशन देने आ रहे हैं हमारे हाजिर जवाबी MD अजूबा कपिल as various contestants, सरगुन as परवाह खान और हमारा नया टैलेंट मुबीन as 2-in-1. Hi, how are you? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो जैसा हूँ सबको पता है. ये लो ना, एक संभालो. Oh my God, सुसु तो नहीं करेगा ना? सुसु कर सकता है, यहाँ पे कौन से लिखा है सुसु करना मना है. ए, एक बच्चा मुझे भी दो, मैं भी फ्री हूँ, मैं भी बच्चा खिलाऊंगी. अच्छा, कल तक तो कह रही थी तुम्हारे पास दो दो फिल्में. हाँ, लेकिन एक सोहेल ने ले ली, कहने लगा देख के लौटा दूंगा. My God, इतना पुराना पंच. ये इंडियाज लॉस्ट टैलेंट है, कोई कॉमेडी सर्कस नहीं है, यहाँ पुराना पंच नहीं चल सकता. हे भगवान, ये औरतों का यही प्रॉब्लम है, जहाँ देखो वहाँ बात ही बात करते रहती हैं. थैंक गॉड मैं औरत नहीं हूँ. आप दोनों आपस में बात करना बंद कर सकते हैं, कैमरा रोल होने वाला है. ओ माय गॉड, थैंक यू वेरी मच, तुमने बता दिया. मेकअप दादा, लिपस्टिक उतार दो. डायरेक्टर या रोल, नेक्स्ट कंटेस्टेंट भेजिए प्लीज. ओ माय गॉड, मैं भी आ गया, ऑडियंस भी आ गई. जजेस कहाँ आए, कब कब आ रहे हैं जजेस? सारे जजेस यहीं बैठे हैं. ओ रियली, व्हाट अ फनी इंस्टॉलमेंट ऑफ द फनी स्टिकिंग. ये भी जज हैं, आज तो जो मर्जी कर लो, एपिसोड ढीला जाएगा. हेलो, ए तेरे साथ कौन चिपके बैठा हुआ? ए, ओह, हाउ आर यू अनुपम. इतने लंबे लंबे रखे, आधे उसको भी दे दो ना, मतलब कि पार्टी में जाते शर्म नहीं आती तुम्हें. सुनो, हेलो, बाल इधर कर सुनता तभी नहीं है. हेलो, मैंने सुना ना अपना एक्टिंग स्कूल खोल के रखा है. हाँ, तो सिकंदर को डालो ना उसमें. ऐसा सिकंदर है, अपने देश में हारते रहते सिकंदर. खैर, एनीवेज, हेलो, छोड़ना. हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ. आप ये बताइए, आप कहाँ से आए? मैं घर से. मम्मा ने भेजा, कहते जाओ इंडियाज़ गॉट टॉयलेट में. कहाँ है आपकी मम्मा? वो तो 3 साल से इंडिया में नहीं है. अच्छा, कहाँ रहती? ऐसे ऊपर. या सो सॉरी, शी पैक्ड अप. कहाँ की रहने वाले हैं आप? मैं वैसे बेसिकली मैं जलंधर का रहने वाला हूँ, लेकिन क्या जलंधर में छोटी मोटी चोरियाँ बड़ी होती थी, तो मैंने वहाँ से शिफ्ट कर लिया. मैं माइग्रेट होकर अमृतसर चला गया. अभी मेरे को कोई डर नहीं है, मैं खुल के बड़ी बड़ी चोरियाँ करता हूँ. ये बताइए, अगर आप यहाँ से इनाम की रकम जीत कर जाएंगे तो आप उन पैसों का क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये श्री फराद की निकल पड़ी ना, इनकी मैं वापस ले आऊंगा जहाँ से भी निकली है. मेरे को बता रहा हूँ कि मैं दोबारा से बनाऊंगा फिल्म. वो फिल्म बन चुकी है. तो बन चुकी तो फिर उसकी सीडी डीवीडी गोल गोल ऐसे टुकड़े टुकड़े करके नस्तनाबूद कर दूंगा इसका मैं. ए, सीडी तोड़ने से फिल्म खत्म नहीं होती? क्यों नहीं खत्म होती? अच्छा, रियली? तभी मेरी माँ कहती थी बुराई को जितना मारो वो निकल निकल के उसे ड्रेस के बाहर आती है. ओह गॉड, इट्स एन अनबिलीवेबल द पर्सन ऑफ द अर्थ. अच्छा, हम समझ गए. ये बताओ तुम मेरे को टैलेंट है भी या नहीं? बहुत टैलेंट है मेरे में, ये तो अब आपकी किस्मत है, आपको क्या पसंद आता है. क्या करते हो तुम? मैं लाइफ एंजॉय करता हूं. एंजॉय के अलावा और कुछ करते हो? या आई एम अ डबिंग आर्टिस्ट. अच्छा, अरे बाबा होती है ऐसे, बड़े सारे काम होते हैं इंडस्ट्री में, आपको नहीं पता. आपको सिर्फ बच्चे पैदा करने आते हैं, आपको क्या लेना देना.
इसके अलावा तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है? बहुत सारा टैलेंट है मेरे मन में, 1000 पानी पूरी खा लेता हूँ। अच्छा, प्रोडक्शन वाले जरा इनके लिए 1000 पानी पूरी लाइए। ऐसे नहीं, जैसे आज 2 खाली कल 4 फिर 10, 6 महीने करके 1000 पेट पूरी अंदर, जस्ट एंजॉय। हमने आपसे आपका 6 महीने का डाइट प्लान नहीं पूछा, अभी कितना खा सकते हैं? अभी अरे 200, लेकिन मेरे को पेमेंट पहले चाहिए, एडवांस पेमेंट, जो इनाम की राशि है पहले चाहिए। क्यों? अब बाबा खाते वक्त फिर सीधा मेरे को अस्पताल निकलना पड़ता है, कौन पेमेंट मांगता फिर आप लोगों से? फिर जलन होती है उससे, आपको नहीं पता है? कभी खाई है 200 पानी पूरी? ओ माय गॉड, ये कोई टैलेंट है? अरे कोई टैलेंट हो तो वो दिखाओ ना। क्या टैलेंट तेरे को दिखाऊं? तेरे को पता मैं 24 घंटे पानी में रह लेता हूं। कभी रह चुके हो? अरे एक बार, हमेशा जब मेरी मम्मी मायके जाती तो 24 घंटे आती नहीं, एक बार तो ऐसा हुआ वो गली की लॉक लगा के बाहर बारिश हो रही थी, 24 घंटे बारिश में बैठा रहा मैं। ओ माय गॉड, किसी का बच्चा रो रहा है? मेरा। तेरा रो रहा है? ओ गॉड, रियली? इसको चुप कराओ ना बा। तुम्हें चुप कराना आता है? या आई नो हाउ टू चुप। कैसे? या अल्लाह मेरे को दो ऐसे, इसमें कौन सी बात है? नहीं, नहीं, पहले बंद कर दे बच्चा रोना। ऐसे ऐसे करना है, ऐसे मुंह पे हाथ रख लेना। ओहो, इसकी सांस रुक जाएगी। ओह गॉड, मैंने तो सोचा ही नहीं। ओह गॉड, आई थिंक इट्स लीकिंग। माय गॉड, वो लीकेज नहीं कर रहा है। क्या है? सुसु कर रहा है। लाओ मुझे दो, मैं संभालता हूँ। लीक तो ये वाला कर रहा था, वो किस संभाले? तो सो रहा है, इसे पकड़। या ओह गॉड, तुम बच्चे भी संभाल लेते हो? हाँ। हाउ स्वीट मदर यू आर। लिसन, तुम्हारी एज क्या है? कम्स इन 40। बहुत अच्छा बोला तुमने। सुनो, हाँ, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम कहो तो मैं करवाऊँ, मेरी नजर में है एक अच्छा सा रिश्ता, लड़का बैंक में है। व्हाट? अरे बाबा, लड़का बैंक में, उसकी बहन कॉलेज जाती है, तुम लोग शादी कर लो, एंजॉय। ये बार बार तुम एंजॉय क्यों करते हो? अरे बाबा, सूखा एंजॉय नहीं करते, थोड़ा ड्राई एंजॉय, ग्रेवी वाला। ग्रेवी वाला एंजॉय। चने खाओगे? नहीं नहीं खाने हमें चने। खा लो खा लो, मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए। ओ माय गॉड, लेकिन तुम्हारी माँ तो 3 साल पहले ही मर गई थी ना। चने बना के मरी, तेरे को क्या लेना देना। तेरे को पता, जब उसने चने बनाए थे तो व्हाइट कलर के थे, बड़े बड़े काले हो गए। अरे एक बात बताओ, ये जो इनाम की राशि कितनी मिलेगी? 50 लाख। 50 लाख? व्हाट द हेल इज द, व्हाट इज इट डूइंग? Even you are having 3 children, even it's my turn answer, you are 50 lakhs only. इससे ज्यादा तो कौन बनेगा करोड़पति है? 5 करोड़ रुपए देते हैं वो लोग, और उस कर्तव्य भी कोई नहीं दिखाना पड़ता आपके शो की तरह। हाँ, तो वहाँ पर 12 सवाल भी पूछे जाते हैं, उनके जवाब भी देने पड़ते हैं। तो जब से आया हूँ 25 सवाल तो पूछ ही चुका, तू फुल्ले कहेंगे। Shut up. क्या है? देखिए, मुझे नहीं लगता है आदमी टैलेंटेड है, प्रोडक्शन इसे प्लीज बाहर निकालिए। ए, टैलेंट की बात किसके कर रही तू? क्या बोल रही तू? किसको बोली टैलेंट? क्या टैलेंट तेरे को बताऊं, इंडिया में कितना टैलेंट है? अरे टैलेंट की कदर तुम लोग क्या जानते, टैलेंट की कदर? अभी ये साइना नेहवाल को गाड़ी दी ना तुम लोगों ने, मेडल जीत के आई, तो मैरी कॉम को क्यों नहीं दी? उसके पास क्या ऑटो था पहले से, उसको क्यों नहीं दी? ये चने वाला घुमाओ तेरे कान में, तेरे को पता चले टैलेंट किसको बोलते हैं? अरे टैलेंट देखना तो मेरे राइटर का जाके देख, जहां साले को पंच नहीं सूझा, बीच में स्टायर को सेट दिया। तू क्या टैलेंट देखेगी? टैलेंट तो ये लोग बताएंगे किसमें कितना टैलेंट है। बताओ जरा किसमें कितना टैलेंट है, रख बच्चों को बीच में शामिल करने का। तो अर्चना, कैसा लगा आपको इनका ये टैलेंट? कपिल, आपको हम बहुत तारीफ करते हैं, हम आपकी, और आप हमेशा हमें ऐसे एक्ट्स देते हैं कि हमें तारीफ करने पर आप मजबूर करते हैं। ये बहुत अरसे बाद एक ऐसा एक्ट था जिसमें एक्चुअली हंसने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, हालांकि द कपिल इज़ देयर ऑन स्टेज, बहुत ज़रूरी था ये होना, क्योंकि ऑडियंस को ये मालूम तो पड़े कि जिसको आप ब्रिलियंस कहते हैं वो ब्रिलियंस ऐसे ही नहीं आती, उसमें मेहनत बहुत होती है और उसमें एक टीम वर्क होता है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स का सही पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है फॉर अ गुड एक्ट टू कम ऑन स्टेज। 3 of you, यू डिड योर बेस्ट बट द मटेरियल वॉज नॉट हैपनिंग। थैंक यू मैम। सोहेल, आई हैव सीन, मैंने देखा है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया काम करते हुए, इसके अंदर आपके पास कोई बेस ही नहीं था टू शो योर टैलेंट। पॉज नाउ, सोहेल विल स्टार्ट विद यू। 8 से सेहत बनती है और कॉमेडी सर्कस पूरे इंडिया की सेहत बनाता है, इंडिया को भरपेट हंसाता है और ऐसे ही हंसाता रहेगा। ओनली ऑन सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स